राजीव गांधी स्टडी सर्कल राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर इकाई द्वारा भारत में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र विकास व चुनौतियों पर गोष्ठी विश्वविद्यालय जयपुर में रखी गई, जिसमें प्रमुख अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी राजस्थान श्री विवेक बंसल जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर बी एम शर्मा ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सतीश कुमार व कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विनोद शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया। उन सबको, और जब हम इसकी बात करते हैं और इसको सब हम महसूस करते हैं, तो वो अपने आप उस समय तत्कालीन जो चुनौतियां थी, जो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, आप कल्पना कीजिए, दुनिया में जिस तरीके से एक पोलराइजेशन था कोल्ड वार के फलस्वरूप, उसमें से बचते हुए अपनी आवाज को भारत के भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्यक आबादी के अनुरूप विश्व में उसकी आवाज को गूंजना भी अनिवार्य था। ऐसे परिवेश में जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चाहे वो विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के माध्यम से दुनिया के उन देशों को जो स्वतंत्र होकर निकले थे या विकासशील देशों के नाम से जाने थे, उनको संगठित किया और एक आवाज, एक अलग एक आवाज उठाई और उसको वो आवाज गूंजी। और ये इसलिए भी अनिवार्य था कि भारत को जहां एक तरफ एक स्वतंत्र आवाज चाहिए थी, एक स्वतंत्र आवाज दुनिया में जिसमें ये ना हो कि हम इस महा पावर के, महा शक्ति के अधीनस्थ होकर हम कोई बात कर रहे हैं, बल्कि प्रगति के रास्ते पे भी जाना था।